गाइस आज पूरा बोल खाली है, सिर्फ हम चार लोग हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच है इस मूवी और कुछ भी देखने वाले इतना खुश है कितना वेलकम बैक टू माई चैनल। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो। आज का जो ब्लॉग है जस्ट अ रैंडम डे ब्लॉग है, मेरे को खुद नहीं बताने क्या करूँगा। जस्ट संडे है तो मैंने सोचा आज ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि ट्यूशंस वगैरह नहीं होती तो थोड़ा फ्री होता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो करूँगा ये अलग सा। सो जस्ट इसलिए सोचा कि आज ब्लॉग कर लेता हूँ। एंड अभी सच बताऊँ अभी 1 बज रहे हैं एंड मैं जस्ट 12 बजे उठा था आज, क्योंकि जिम वगैरह सुबह नहीं होता है, मतलब संडे को छुट्टी होती है, तो अपना आराम से सो के उठाऊँ। एंड आज करवा चौथ भी है तो मम्मा वगैरह की भी फास्ट है, बाकी देखते हैं। अभी तो 1 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ आज मैं ब्लॉग, वरना तो सुबह सुबह कर देता हूँ, मतलब 1 ही बजा नहीं बट स्टिल 12:46 हो रहे हैं। सो या अभी जो स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी देखते आगे आगे क्या क्या करेंगे। मैं आपको अ टाइप ऑफ अपना डेली रूटीन ही दिखाऊँगा कि मैं क्या करता रहता हूँ। सो या जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बात लिया था एंड बाल इतने ज़्यादा बड़े हो रखे हैं कि ये सेट होने पर नहीं आ रहे हैं। एंड ये देखो सामने से भी ऐसे देखो कि तब भी बहुत बड़े लग रहे हैं। सो मैं सोच रहा हूँ कि हेयर कट करा लेना चाहिए अब, क्योंकि काफ़ी बड़े लग रहे हैं एंड फेस छोटा है तो इतने बड़े सूट नहीं करते। तो ये देखूँ आया तो आज करवाऊँगा या फिर कल हेयर कट। यार मेरे को ना वैसे कर्ल भी कराने का बहुत मन है कि कर्ल्स ट्राई करूँ, बट मेरे को पता नहीं मैं यहाँ पर इतना समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पर जाके कराऊँ। एंड ऊपर से घर पर भी मेरे को खुद नहीं आता कि मैं कैसे कर सकता हूँ खुद, तो वैसे मेरा बड़ा मन है कि मैं एक बार ट्राई करूँ, बाकी देखते हैं। वैसे वरना फिर सिंपल जो हमेशा कराता हूँ वही कराना पड़ेगा। 2 बज गए, 2 से ज़्यादा ही हो गया और ये अभी तक लड़की नहाई नहीं है। देखो मजा ले लड़की, 4 बजे से पहले नहा ले। 2 बज चुके हैं, दिखाता हूँ मैं। नहीं दिख रहे। करा ली बेइज्जती, मतलब खुले हम बेइज्जती करा लेता तो। अरे यार दिखेगा 2 मिनट अब दिख रहा होगा। हाँ देख ये नहाई नहीं अभी तक, ऐसी गंदी है, अच्छी बदबू आ रही है। यार मैं सोच ही रहा था कि हेलोवीन पे इस बार क्या करना चाहिए, तो जस्ट अभी मैंने स्टोरी के थ्रू लोगों से पूछा है, मतलब आप सबसे, कि मैं हेलोवीन पे क्या कर सकता हूँ। वैसे अगर आपके पास अभी कोई आइडिया हो ना तो मेरे को अभी बता देना, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हेलोवीन पे क्या करूँ, इस बार कुछ बढ़िया सा करने का मन है मेरा। सो लेट्स सी क्या होता है, उसका भी मैं ट्राई करूँगा कि ब्लॉग में रिकॉर्ड करूँ कुछ अच्छा सा। बाकी जैसे भी मैंने पूछा है कि क्या करें, एंड अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना पिक्चर्स वगैरह क्लिक करता हूँ 4 बजे करीब। एंड मैं सोच रहा हूँ कि राज को बुला दूँ, क्योंकि उसने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करानी होती है, वो खुद तो कर नहीं पाता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने उसकी क्लिक करी थी एंड उसको खुद समझ नहीं आती अभी, क्योंकि मतलब उसे फ़ोटोज़ वगैरह का इतना शौक़ नहीं था एंड अब उसने करवानी स्टार्ट करी है। तो अभी मैं ज़रा उसे खुद बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 2 साल हो गए मैं खिंचवाता रहता हूँ तो मेरे को थोड़ी आदत हो गई। तो जस्ट अभी मैं उसे कॉल करके पूछूंगा कि आज फोटोज़ क्लिक करें, क्योंकि संडे उसकी ट्यूशन की छुट्टी होगी। मेरी तो आई, मतलब मेरी एक ट्यूशन है जो कि है 6:30 से 7 बजे, बाकी सबकी छुट्टी आज, तो आज कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं। हेलो भाई, क्या हाल है? गरीब है। आज फोटोज वगैरह क्लिक करेगा क्या? अभी तो अभी अच्छी भी नहीं आएगी, मैं कह रहा था 4 बजे या फिर 3:30 बजे करीब खींचते हैं। आउटफिट अच्छा सा डिसाइड कर लियो और अपना बढ़िया से खींचेंगे। ठीक है, पक्की बात। चल ठीक है, जब निकलेगा ना मेरे को कॉल कर दियो उससे 10 मिनट पहले। ओके। ये कॉन्ग्रेचुलेशन। चल बेटे आज इसकी पार्टी, आज इसकी पार्टी। आ जा बेटे तू पार्टी देगा, देख मुझे आज। ठीक है ओके। क्या बात है, इसके 300K हो गए हैं, सो कांग्रेचुलेशंस ब्रो। एंड अभी इसे मैंने बोल दिया कि ये आएगा अभी, अभी 2:40 हो रहे हैं तो ये कुछ ऐसे ही आएगा 4 बजे करीब। तो फिर हम उस टाइम फोटो वगैरह क्लिक करेंगे, तब तक देखता हूँ क्या करूँगा मैं खुद। अभी इशिता रेडी कर रही है मम्मा को। मैंने करा है। इशिता कर रही है, दिख रहा है साफ साफ। आईलाइनर लगाया सुनो। मम्मा रेडी हो रहे हो? ये कितना सामान फैला रहा है। अरे सामान खराब करेगा। इन्हें हंसी आ रही है बेचारी को। खराब, अब खराब करेगी फिर नहीं। जा दो यार 1 मिनट के लिए। बाय। देखो ये अभी मैं टाइम दिखा देता हूँ, 3 बज रहे हैं और ये बंदा सो रहा है।
मतलब इसे बंदे को उठना नहीं है, एक चेतना जो नहाती नहीं है तीन दिन बजे तक, ये भाई साहब तो उठते ही नहीं है, ये तो नहाने की तो दूर की बात है, ये तो ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा, तीन बज चुके हैं और ये अभी तक भाई साहब सो रहे हैं। उठने का कोई प्लान है? कल रात ना आया था। अच्छा सुन, मैंने ना हेलोवीन के कुछ आइडियाज पूछे तो काफी लोग ना वैम्पायर लुक कह रहे हैं, तो वी कैन ट्राई दैट ऑल्सो। ठीक है। एंड यहाँ पे दूसरे रूम में सीमा मम्मी हो रही है इशिता से रेडी। ये आज आपका फास्ट है तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। भूख लग रही है? ऐसा कैसे, मतलब कैसे रख लेते हो आप, मेरे को मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, ऐसा कैसे रख लेते हो, मतलब भूख नहीं लगती आपको? नहीं लगती। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और प्यास भी नहीं लग रही? नहीं लग रही है। बड़े फैंसी हो आप। अमन फिर गोलगप्पे लाते हैं, आ जा। लेट्स ब्रिंग सम गोलगप्पे, पानी पूरी। तू मेरे को दिखाना बंद करेगा? एंड ऑल दैट मैं तेरे को ही दिखाऊंगा। मेरे बर्तन बाहर रखा। हाँ यही काम तो रह गया था मुझे ना, पहले मुझे गिफ्ट दे। क्या चाहिए? एयरपोर्ट्स। पहले दिला चुका हूँ, तू नहीं चोरी कर पाएगी। मेरे एयरपोर्ट्स पता खो चुके हैं, काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे ना मेरे एयरपोर्ट्स कहाँ हैं, बहुत टाइम से दिख नहीं रहे। मेरे एयरपोर्ट्स खो चुके थे जब मैं ट्रिप पे गया था, वो गिर गए थे, उसकी सिर्फ डब्बी डब्बी है मेरे पे, तो इसीलिए मैं इसे कह रहा हूँ बहुत महीनों से कि मेरे को एयरपोर्ट दिला दे दोबारा से। नमक प्राणी आ चुका है, देखो पूरा स्मार्ट बन गया है। हाँ भाई क्या हाल है, ये पूरा स्मार्ट बन गया है। बारिश आने वाली है क्या? पूरा स्मार्ट बन गया है ये लड़के। बारिश आने वाली, आ जा जल्दी। बाय गाइस, मेरे कोल्ड ड्रिंक लाओ जल्दी भागो। गाइस की स्पेलिंग जी एच आई ए एन डबल एस। ठीक है, आज ने रखा है करवा चौथ का वर्ड। अरे तूने रखा है? एंड तूने इसने काम वाली आंटी के रखा है? पता पता भी इसके पेट में भी दर्द हो रहा है। बदतमीज, वो मैंने कल कोर की वो करी थी एक्साइज। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आज इसका वर्ड है मैं बता देता हूँ, तो जा रहा हूँ। बाय 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 बाय। बहुत अच्छी हवा चल रही है एंड हम आए हैं ऊपर फोटो क्लिक करवाने। ये अपना राज स्मार्टी बॉय, ये तो पहली बार ढंग के कपड़े पहन रखे हमारे भाई ने। और ये अपना फोटोग्राफर हमारा, आ जाओ रिश्तों मेरे लिए, आ जाओ आ जाओ। देखो पूरा तैयार हो गया है, वैसे ही करवा चौथ है आज तो अपना। क्या है बे, और मौसम बहुत ही ओपी हो रहा है, तो बहुत इमोशनल वीडियो आ चुकी है। अच्छा अभी ना इसकी वीडियो आई है तो अभी उसका प्रमोशन कर रहा है, सो अभी जस्ट हम कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करेंगे। चले फोटोग्राफर। ठंड हो रही है भाई, देख मैं हाफ स्लीव में हूँ फिर भी। हम पिक्चर्स वगैरह ही क्लिक कर रहे थे एंड बारिश आ चुकी है, राज की पिक्चर्स तो हो चुकी हैं बट मेरी नहीं हो पाई है। ये देखो कितना खुश है, कितना मतलब इतना खुश है ना, मेरी तो हो नहीं पाई है क्योंकि मेरे में कलर एडजस्ट नहीं हो रहा था। मेरा आउटफिट थोड़ा डार्क है, इसका लाइट है तो इसका हो गया था। तो अभी हम इंडोर टाइप ही ट्राई करते हैं, मतलब है तो बाहर ही बट बालकनी में ट्राई करते हैं कि अगर कुछ हो जाए तो सही है, वरना देखते हैं कुछ और। मैंने पढ़ाई करनी है एंड मैं काफ़ी अच्छा बच्चा हूँ तो पढ़ाई करनी है। मैं बताना चाहूँगा ये जो शरीफ से दो लड़के दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। हमें पता है कुत्ते का मतलब ही नहीं पता, पता है? नहीं कुत्ते का मतलब कुत्ता। हाँ ये वही वही है। लाइट कैमरा एक्शन ला 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 ला। हाँ वैसे गाइस जिस कैमरे में आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज इसमें हमने फोटोज क्लिक करी हैं, काफ़ी अच्छी फोटो आई है, फोन भी अच्छी आई है। आई फोन से कैमरे में हुई है, मैं बहुत एस्थेटिक कर रहा हूँ। हाँ इसके आज मैंने एस्थेटिक फोटो खींची है, एस्थेटिक एस्थेटिक। क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? तुसी जा रहे हो? नहीं तुसी चले जाओ। जा रहे हैं। बाय बाय, मिलेंगे 10 साल बाद। 10 साल? तूने मेरे बर्थडे पे कहा था अगले बर्थडे मिलेंगे तो फिर मिल गया। चल दोबारा मिल लेंगे। ओके बाय गाइस। बाय गाइस। बाय गाइस। गाइस बाईस। गाइस गाइस एक खुशखबरी बताता हूँ, मेरी ट्यूशन की भी छुट्टी हो चुकी है। इतनी खुशी मुझे। एंड अब हम जाएंगे मस्ती करने कुछ ना कुछ। जस्ट मैं नीचे आ चुका हूँ एंड फाइनली पिक्चर्स वगैरह तो हो चुकी हैं, एक बार मैंने कैमरे में भी ट्राई कर ली थी। एंड गाइस एक चीज़ डिसाइड हुई है, आज हम जा रहे हैं मूवी देखने। एंड पता है मैं मे बी 1 या 2 साल बाद जा रहा हूँ मूवी देखने, बिकॉज बीच में लॉकडाउन लग गया था एंड उसके बाद से मैं गया ही नहीं। एंड आज काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ एंड हम मतलब चारों भाई जा रहे हैं, एक मेरा कज़न भाई आकाश भाई, मतलब आकाश भाई तो
पता ये एक कज़न है जिन्हें आप शायद नहीं जानते हुए, और एक अमन भाई और एक मैं, हम जा रहे हैं मूवी देखने और हम शायद 8:45 वाले शो में जाएंगे। तब तक तो थोड़ा बहुत टाइम पास करता हूँ एंड अभी फ़ोटो वगैरह एडिट करके डाल लिए हैं, मे बी बस अभी थोड़ी देर में डाल दूँगा। सो या अभी जस्ट पहले थोड़े कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ क्योंकि मेरे से घर पर फॉर्मल पहन के नहीं रह सकता मैं। अभी जस्ट अपना जो मैं लोअर वगैरह पहनता हूँ वो पहनता हूँ एंड फिर मैं आप सबको मिलता हूँ। मैं रेडी हो चुका हूँ एंड अब हम जा रहे हैं मूवी देखने और पता है बारिश आ रही है और आज तो मतलब इतना मस्त मौसम हो रहा है ना। सो जस्ट अभी हमें गाड़ी निकाल रहा है एंड मैं गाड़ी में बैठता हूँ, जल्दी बारिश आ रही है बहुत तेज, फिर गाड़ी में मिलता हूँ। सिर्फ हम चार लोग हैं इस भाई साहब को मैच से ज्यादा बढ़कर मूवी देखनी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच है ऐसे मूवी देखनी और कुछ भी देखना है। वैसे मैं पता क्या कहा, मेरे को पंजाबी समझ आती नहीं, मैं बैठा रहूंगा, तुम देखते रहना। और अभी वैसे फिलहाल हम होटल अलग देखने जा रहे हैं और खाली हॉल है पूरा खाली। इंटरवल हो चुका है एंड मूवी काफ़ी मस्त है, मतलब हॉल में हम भी बैठे हैं अकेले बैठे हैं वैसे हम, और मूवी काफ़ी मस्त है, मतलब बहुत हंसी आ रही है हर टाइम। अभी जैसे हम पॉपकॉर्न वगैरह लेने आए हैं। सो गाइस हम आ चुके हैं मूवी देख के एंड मूवी काफ़ी मस्त थी, मतलब काफ़ी हंसी वाली थी एंड अभी बज रहे हैं 11:30 और अब हम जा रहे हैं वापस घर। मुझे फाइनली पहली बार एक पंजाबी मूवी समझ आई। अरे वो पंजाबी इतना था नहीं उसमें, पता है इंग्लिश भी थी और पंजाबी भी थी, दोनों थी। ये कुत्ता मुझे क्यों देख रहा है? एक वो था और अडॉप्ट होता है और आखिरी में आते आते शादी एक सीन जाती है बस। स्पॉइलर यार एक तो लेके निकल है ऊपर से बेटी दे रहे हो दोनों और ज्यादा कुछ नहीं था, बस आखिरी में आते आते शादी हो जाती है। अब एक शादी करा दी, चल चलो बाय। आओ आओ आप भी आओ, चल शादी करूंगी। गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ घर और वैसे मेरे को भी नहीं पता मैंने क्या क्या रिकॉर्ड करा है क्योंकि ये टाइप ऑफ अ रैंडम व्लॉग था, तो इतना आइडिया नहीं था मैंने क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड बस यही था वैसे मेरा आज का संडे का व्लॉग। तो मैं रोज़ संडे हर संडे भी ये नहीं करता हूँ जैसे आज ये सब कुछ कर रहा था, मतलब ज़्यादातर संडे ना मेरी छुट्टी होती है, बट आज संडे था उसमें मेरी सारी मतलब छुट्टी नहीं होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं पता नहीं, मैं नींद में हूँ शायद इसलिए। ज़्यादातर संडे ना मेरी मतलब क्लासेस वगैरह होती हैं क्योंकि अब बोर्ड्स आ रहे हैं तो इसलिए क्लासेस छुट्टी नहीं मिलती अब, बट आज मेरी SSC की भी छुट्टी थी, मैथ्स की भी एंड साइंस की भी हो गई क्योंकि बारिश आ गई थी, तो जस्ट फिर इसलिए आज मैं ये सब कुछ मस्ती वगैरह कर रहा था फोटोज़ वगैरह, वरना तो फिर क्लासेस वगैरह होती हैं, तो जस्ट यही मैंने जस्ट आज रिकॉर्ड कर लिया। बाकी अब कल से तो वही सुबह जिम, फिर उसके बाद घर आके वीडियोस वगैरह बनाऊंगा एंड देन क्लासेस, ये सब कुछ चलना है। सो या बाकी अभी ये वाले ब्लॉग का तो मैं सोच रहा हूँ एंड ही कर देता हूँ, 2 दिन तक कंटिन्यू नहीं करते, आज ही एंड कर देते हैं। सो आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया हो। सो अगर पसंद आया हो तो लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर कर देना एंड मेरे को कॉमेंट में बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। सो बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।